हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका चैनल में फिर से। बेसिकली गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू रन नेक्स्ट एप्लीकेशन इन योर उबंटू टर्मिनल, ओके, एंड विद npm। मतलब कि हम नोड पैकेज मैनेजर के द्वारा हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो पर देखते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आपको पहले क्या ओपन करना है, अपना उबंटू का टर्मिनल ओपन कर लेना है। मैंने ओपन उबंटू और टर्मिनल ओपन किया हुआ है, देखो। देन हम इसके अंदर पहले लिखते हैं कमांड npx। सबसे पहले छोड़ो, सबसे पहले आप ये लिखना पड़ेगा आपको sudo apt-get-update, जिससे कि आपके जो भी पहले के पैकेजेज हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो हिट कर रहा है, तो मतलब कि मेरे पैकेजेज अपडेट नहीं थे, अब अपडेट हो चुके हैं मेरे सभी के सभी। देन मैं अब लिखता हूँ npx क्रिएट npx क्रिएट ओप्स नेक्स्ट ऐप, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया नेक्स्ट ऐप, फिर ये फोल्डर का नाम हुआ है, क्रिएट करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। देन इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको कैसे बनानी है, कैसे अपनी पूरी एप्लीकेशन का, ये मुझे बताएगा कि मेरे को पूरी एप्लीकेशन किस वे में बनानी है, ठीक है। इसने पूछा कि आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का नाम, मीन सबका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने तो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन रख रखा, तो वही रखूँगा मैं, तो मैं उसको एंटर कर देता हूँ। तो मतलब कि नेक्स्ट एप्लीकेशन का मेरा फोल्डर का नाम हो गया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसके अंदर कौन सी यूज़ करोगे, एरो के द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो से। तो मैं अगर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ टाइपस्क्रिप्ट, मैं चाहता हूँ सर कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करूँ, तो एंटर किया। अब ये चाहते हैं कि आप किसके द्वारा, मीन्स आप यान के द्वारा, अपने पैकेज मैनेजर के द्वारा आप इसको रन करना चाहते हो, या npm के द्वारा आप इसको पैकेज मैनेजर के साथ रन करना चाहते हो। पहले हम करते हैं npm के साथ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यान के साथ हम इसको कैसे करते हैं। तो हम इसको कर देते हैं एंटर, एरो की के द्वारा मैं नीचे किया एंड कर देते हैं मेरा एंटर। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप किस टाइप का UI फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हो इसके अंदर, कि आप UI फ्रेमवर्क में टू सेलेक्ट की, आप फ्रेमवर्क में टू सेलेक्ट की, आप किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहते हो कि वो नेक्स्ट एप्लीकेशन, कि वो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके PC के ऊपर चले, क्योंकि बहुत सारी फ्रेमवर्क्स आते हैं, ठीक है, मीन और मर्ज स्टैक के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमें कभी अभी कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, तो डन कर देते हैं हम इसको एंटर। अब इससे पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन चाहते हो, कंटेंट गिट वाला चाहते हो एप्लीकेशन का, या एक्सियोस चाहते हो, XIOS चाहते हो। हम चाहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट के ऊपर रन करना चाहते हो, तो HTTPS एंटर। सर अब ये पूछ रहा है कि हमसे कि लिंटिंग टूल्स, ठीक है, लिंटिंग टूल्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे, हम आपको बाद में बताऊँगा इसको, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एंटर करना है यहाँ पर। देन टेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहता है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क में भी कुछ नहीं चाहिए। अभी हमसे पूछा है कि रेंडरिंग मोड आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए यूनिवर्सल या सिंगल पेज ऐप। मेन टू सेलेक्ट की आपको यूनिवर्सल ऐप चाहिए या आपको चाहिए सिंगल पेज ऐप, ठीक है। हमें चाहिए कि पूरी एप्लीकेशन हमारी है, क्योंकि हमारी कोई पास कोई सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, हम यूनिवर्सल चाहते हैं। डिप्लॉयमेंट पूछ रहा है, डिप्लॉयमेंट आप कहाँ करना चाहते हो, सर्वर के ऊपर करना चाहते हो, Node.js की होस्टिंग पे, या कोई कहाँ पे एक स्टैटिक होस्टिंग हवा करना चाहते हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज करोगे तो आपका सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो हम इस पर चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी डेवलपमेंट टूल की, वो जेसन में होगी या सेमेंटिक होगी या डिपेंडेंट बॉट होगी। हमारी होगी सिंपल जेसन में, ठीक है, हमने किए वैसे। अब ये लास्ट में पूछ रहा है कि आपका जो GitHub का यूज़र नेम है वो किसके नाम से है, तो हमारे कपिल के नाम से सोचो कि कपिल के नाम से, ये तो एंटर कर दिया। अब ये हमसे पूछा है कि गिट को क्या है, तो हमारा गिट है। देन एंटर, देन कंप्लीट। ये क्या करता है नेक्स्ट एप्लीकेशन, आपका सभी के पहले कॉन्फ़िगरेशन करवाता है कि आपको क्या क्या चाहिए, किस किस का कैसा चाहिए, ठीक है, कौन सा आपको UI फ्रेमवर्क चाहिए, किस पैकेज मैनेजर के साथ आप रन करना चाहते हो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट टारगेट क्या होगा, डिप्लॉयमेंट टूल क्या होगा आपका, ठीक है। देन इसको करने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये सारे पैकेजेस आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बताया कि मैंने npm चूज़ किया था, तो npm का इस पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा, ये पूरा का पूरा आपको फोल्डर क्रिएट कर देगा एक कमांड के द्वारा। एक कमांड के द्वारा अभी आपका पूरा का पूरा पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा, आपका पूरा एक फोल्डर बना देगा जिसके ऊपर आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन रन होगी। आप उसी फोल्डर को, नेक्स्ट एप्लीकेशन को
जो फोल्डर है उस फोल्डर को आप अपने विजुअल कोड के अंदर रन कर सकते हो या कहीं पे भी रन करके आप उसके अंदर काम कर सकते हो। अभी से देखा कि मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लिया होगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन रन हो गई है। अब इसने बताया कि हम बिल्ड बना सकते हैं एनपीएम रन बिल्ड के द्वारा, हम एनपीएम स्टार्ट के द्वारा भी इसके रन कर सकते हैं या हम इसको इसके द्वारा भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन देखते कि क्या है। हमारी एप्लीकेशन ये रही, नेक्स्ट स्टेप के द्वारा हमने बनाई थी फोल्डर, तो हम पहले नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं। देखा हम एलएस करते हैं तो हमने बता दिया कंपोनेंट्स बनाए हुए, नोड मॉड्यूल सर खुद बनाया सभी का सभी, ठीक है। रीडमी डॉट एम डी के अंदर हम देख सकते हैं कि ये यही यही चीज़ हमें दिखेगी, ये यही चीज़ यही कमांड बताएगा कि इस कमांड के द्वारा ये होगा, इस कमांड के द्वारा ये होगा, इस कमांड के द्वारा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको नैनो रीडमी डॉट एम डी एंड एंटर, दैट्स इट। सो इसने बता दिया कि अगर आपको इंस्टॉल करना डिपेंडेंसीज मीन टू सेट की नोड मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करना, तो npm इंस्टॉल के द्वारा आप नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सर्व करना हो किस पे, लोकल होस्ट 3000, मैंने बताया आपको कि हमेशा हर एक एप्लीकेशन आपके जो भी नोड की एप्लीकेशंस होती है वो सभी के सभी 3000 पोर्ट पे डिफॉल्ट पे रन होती है, ठीक है। इसने बताया कि npm रन देव चलाओ कि आपकी लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सर्वर के ऊपर चलानी है, प्रोडक्शन के ऊपर चलाना है, तो npm रन बिल्ड चला दो कि आपकी बिल्ड तैयार होगी, देन उस बिल्ड को आप कहीं पर रन कर सकते हो, ठीक है। देन अब हम देखते हैं, हम इसको पहले बाहर आ जाते हैं कंट्रोल एक्स से, देन उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रन करके देखना है। npm रन डेव, एंटर किया तो ये बता देगा कि अपनी एप्लीकेशन इस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। क्लाइंट साइड से भी बिल्ड कर रहा है और सर्वर साइड से बिल्ड कर रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखो लिसनिंग कर रहा है कहाँ पे, इस पोर्ट पे। अगर मैं इसको कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ ना तो ये क्रोम के अंदर चला जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंड क्लिक। अब आपको क्रोम के ऊपर से खुल जाएगा, ये देखो आ गया ना, वेलकम टू दी नेक्स्ट एप्लीकेशन, दिस एंड दिस एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन का लोगो आ गया। तो अगर मैं कहीं पर भी रिफ्रेश करेंगे तो वहीं पर ही आएगा। तो हमारी इस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन को रन करते हैं, क्रिएट करते हैं एंड उसको हम लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। अब शो कर देते हैं अब कैंसिल, कंट्रोल सी के द्वारा ये बंद हो सकता है। अब मैं देखूंगा ना यहाँ पर जाकर तो बंद हो जा पाएगा, क्योंकि हमने सिंपली डेवलपमेंट सर्वर पे चलाया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आगे वाली वीडियो में हम और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।